Hello, welcome to all of you. Today we are going to discuss Elsie Gardner's story on Saying Please. This is prose section for the standard 12th Maharashtra board. We are going to discuss today about this story. Before starting the story, I would like to clear the icebreakers. After that, I will tell you about the writer, and then I will completely explain about the story. So let's start icebreakers. Point number one. First, mein aap dekhiye, list the words of courtesy that we use in our daily life. Discuss them with your partner and explain the purpose of using. यहां पे क्या बताया जा रहा है कि आपको कोर्टेसी से रिलेटेड वर्ड्स चैप्टर से ढूंढना है और उसको लिखना है. बट अभी चैप्टर तो मैं पढ़ाया नहीं हूं, उससे पहले ही मैं इसको फिल करा दे रहा हूं. ध्यान दीजिए, यानी विनम्रता से जुड़े हुए शब्दों को आपको ढूंढना है और भरना है. जैसे कि मैं आपको बताने चल रहा हूं, फर्स्ट में आपको भरना है राइट अवे. फर्स्ट में आपका क्या आएगा? राइट अवे. ओके, सेकेंड में आई एम करेंटली. ओके, सेकेंड में आई एम करेंटली. थर्ड में आई कैन हेल्प यू विद दैट. इन थर्ड आई कैन हेल्प यू विद दैट. ओके, नेक्स्ट फोर्थ राउंड आई विल. इन फोर्थ वी कैन से I will. Okay. Next, fifth, already filled there, भरा हुआ है, thank you से. Next, उसमें नीचे वाले में sorry, please, pardon. क्या? Pardon. तो इस तरह से आपके ये words fill किए गए. और भी शब्द हैं, अगर आप भरना चाहो तो भर लीजिएगा. You are welcome. Thank you. It's my pleasure. It's your greatness. Etc. तो ये सब courtesy represent करने वाले शब्द हैं जो मैंने आपको बताया. उन शब्दों को आप सुनिए और उसको भरिए. Next point में हम चलते हैं. नेक्स्ट में आप देखिए, आपको भरना है, नीचे तीन कॉलम दिया गया है, तीनों कॉलम में आपको भरना है क्या? लिस्ट वेलो और फ्यू कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ पीपल, यानी लोगों की कुछ विशेषताएं हैं, चारित्रिक विशेषताएं हैं. सम आर पॉजिटिव ट्रेट्स वाइल अदर्स आर नॉट. इसमें कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है. तो अर्थात कुछ अच्छाइयां हैं लोगों में, कुछ बुराइयां हैं लोगों में. तो जो अच्छाइयां हैं उनको पॉजिटिव लिखिए, जो बुराइयां हैं उनको निगेटिव में लिखिए. ओके, तो मैं आपको पॉजिटिव वाले पॉइंट्स बता रहा हूं. ओके, ह्यूमरस, नाइव, नेक्स्ट बेनेवोलेंट, ये आपका हो गया. नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है वाइज. किधर है ये? सेकेंड कॉलम में वाइज. नेक्स्ट आपका मैनिपुलेटिव, उसी के जस्ट एक के बाद. नेक्स्ट आपका नेक्स्ट कॉलम में है. नेक्स्ट कॉलम में आपका आता है कौन सा? टेरिटोरियल. इसमें सबसे पहले हम्बल कर सकते हैं, टेरिटोरियल कर सकते हैं, जनरल पैट्रनाइजिंग कर सकते हैं और जेनरस को टिक कर सकते हैं. तो ये आपके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं. जिनको मैंने इंडिकेट नहीं किया है वो आपके निगेटिव ट्रेड्स, मीन्स आपके अदर ट्रेड्स माने जाते हैं. अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ. किसकी तरफ? थर्ड में कह रहा है इटिक्वेट एंड मैनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इटिक्वेट, इटिक्वेट मतलब होता है शिष्टाचार और आचरण जो होते हैं वो व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है समाज में रहने के लिए. तो रीड द फॉलोइंग एंड पुट देम इन प्रॉपर कॉलम्स.
अर्थात इन 6 पॉइंट्स को आपको भरना है और उसको प्रॉपर कॉलम में रखना है। जैसे जो आपके पॉजिटिव में है, जो अच्छाइयां हैं वो अप्रोप्रिएट में रखिए, जो अच्छाइयां नहीं है, बुराइयां हैं, उनको इन अप्रोप्रिएट में आपको फिल करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जो अच्छाइयां हैं वो कौन सी हैं और उनको हमें क्या करना है, पॉइंट्स में रखना है, जो कि क्या बता रहे हैं, पॉजिटिव। जैसे पहला वाला देखिए, टू रिसीव फोन कॉल्स व्हाइल यू आर इन अ लेक्चर और क्लास, यानी आपको फोन कॉल्स को रिसीव करना है जब आप लेक्चर में हो। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो ये गलत बात है। क्या है ये गलत बात है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है टू नो बिफोर यू इंटर द प्रिंसिपल्स ऑफिस, तो अर्थात आपको प्रिंसिपल ऑफिस में प्रवेश करने से पहले क्या करना है, नॉक करना है। तो ये आपका सही है। इसके बाद आता है टू थैंक द पर्सन हु ऑफर्स यू अ टी या कॉफी, यानी कोई व्यक्ति जो आपको चाय या कॉफी पूछता है उसको धन्यवाद बोलना चाहिए, ये भी पॉजिटिव ही बातें हैं। नेक्स्ट, टू बी पोलाइट एंड कोर्टियस टू अदर्स, अर्थात दूसरे के प्रति विनम्र अथवा उदार होना चाहिए, ये भी बात आपकी सही है। नेक्स्ट आपका है टू लीव द क्लासरूम विदाउट द टीचर्स परमिशन, ये आपका गलत है कि बिना टीचर के परमिशन से आपको क्लासरूम नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है टू ऑक्यूपाई द सीट्स रिजर्व फॉर लेडीज और फिजिकली चैलेंज्ड और एल्डरली पीपल ऑन ए बस और ए ट्रेन, यानी ट्रेन और बस में जो एल्डरली पीपल के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए या लेडीज के लिए अलाट होता है, आपको उस पर बैठ जाना चाहिए बिना परमिशन के। तो ये वास्तव में क्या है, ये भी गलत है। तो मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट आपका रॉन्ग है, नेक्स्ट थर्ड, सेकेंड थर्ड फोर्थ आपके राइट हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ आपका रॉन्ग है। मींस जो रॉन्ग है वो इनअप्रोप्रिएट में आएंगे और जो आपके राइट हैं वो अप्रोप्रिएट में आपको फिल करना है। ओके, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर एक राइटर है जिनका की डेट ऑफ बर्थ 1865 है और उनकी डेथ 1946 में हुई है। वॉज बॉर्न एट चेम्सफोर्ड इन एसेक्स इन 1865, यानी उनका जन्म कब हुआ, किसका, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर का। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर का मैंने हाईलाइटेड किया। अब यहां पे देखिए, इनका जन्म जो है वो हुआ है चेम्सफोर्ड, कहां पे, चेम्सफोर्ड कहां पे है वो, एसेक्स में। ओके, चेम्सफोर्ड एसेक्स में हुआ, पर हुआ कब, इन 1865 में। ओके, ही स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज ए जर्नलिस्ट, उन्होंने अपना साहित्यिक जो क्रियाकलाप था यानी कैरियर था वो उन्होंने किस रूप में स्वीकार किया, स्टार्ट किया था, जर्नलिस्ट के रूप में। किसके रूप में, जर्नलिस्ट मतलब होता है संपादक के रूप में। अगली कड़ी में, एट द एज ऑफ 37, 37 वर्ष की उम्र में, व्हाट वाज द एज व्हेन ही स्टार्ट हिज वर्क, 37। ओके, नेक्स्ट, ही वाज अपॉइंटेड एडिटर ऑफ द डेली न्यूज, उनको क्या नियुक्त किया गया, एडिटर ऑफ द डेली न्यूज, किसके, डेली न्यूज के। वो कहां से प्रकाशित हुई थी, लंदन से, और उनको एक ख्यात मिली थी अंडर द स्यूडोमिन पेन नेम, पेन नेम मतलब उनको एक पेन नेम दिया गया। अब वो पेन नेम कौन सा है, सिडमिन, ठीक है, इस पेन नेम से उनको नवाजा गया और इस नाम के तहत, निक नेम के तहत उन्होंने रचनाओं को लिखा। अब इनके यहां पे कुछ रचनाएं हैं, जैसे कौन कौन सी रचनाएं हैं ये आप देखिए, जैसे अल्फा ऑफ द प्लो, अल्फा ऑफ द प्लो, ही मेड रेगुलर कंट्रीब्यूशन टू द डेली न्यूज, इसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण योगदान जो है वो डेली न्यूज में दिया। द मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज, मैनचेस्टर से प्रकाशित होने वाला इवनिंग न्यूज में भी उन्होंने अपना सहयोग दिया, एक्सेट्रा। इसके बाद है, हिज एसेज आर यूनिफॉर्मली एलिगेंट, उनके जो निबंध थे वास्तव में वो कैसे थे, यूनिफॉर्मली मतलब समरूप से, बहुत ही, यूनिफॉर्मली मतलब होता है समरूप से, एलिगेंट मतलब होता है सुंदर, ग्रेसफुल मतलब होता है अच्छा या आकर्षक के भी रूप में ले सकते हैं, एंड ह्यूमरस, ह्यूमर मतलब मनोरंजन से परिपूर्ण, अर्थात उनकी रचनाएं इन सभी चीजों से परिपूर्ण थी, मनोरंजन से परिपूर्ण थी।
अब आगे क्या बताया जा रहा है, द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, ये उनकी रचना है, पेबल्स ऑन द शोर ये उनकी रचना है, मैनी फ्यूरोज ये उनकी रचना है, और नेक्स्ट है लीव्स इन द विंड ये उनकी रचनाएं हैं, जो कि जानी मानी उनकी रचनाएं मानी जाती हैं। हिज यूनिकनेस उनकी महानता, यूनिकनेस उनको मिला हुआ था किसमें, एक अद्वितीयपन दिखाई पड़ा उनकी रचनाओं में, और उनकी रचनाओं में सबसे ज्यादा हमको मिला क्या, एबिलिटी, क्या मिला, एबिलिटी मिला, ओके ही रिले, और क्या मिला, एबिलिटी, ओके एबिलिटी के साथ साथ क्या मिला वहां पे, ओके टू टीच द बेसिक ट्रूथ्स ऑफ लाइफ इन एन इजी एंड अम्यूजिंग मैनर, उन्होंने जीवन के वास्तविक सत्यता को बतलाया एक आसान तरीके से, इजी वे से, एंड अम्यूजिंग मैनर, और मनोरंजक तरीके से उन्होंने जीवन की रचनाओं के बारे में बताया, ओके अब यहां पे क्या है, ही रेज्ड द क्वेश्चन ऑफ मॉरलिटी एंड एवरीडे लाइफ, उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया किसके क्षेत्र में, मॉरलिटी के क्षेत्र में, और वो नैतिकता, मॉरलिटी मतलब नैतिकता, कौन सी नैतिकता, जो व्यक्ति के दिनचर्या में शामिल है, अर्थात प्रत्येक दिन लोगों के जीवन में घटित होती है, ये उनकी रचनाओं के बारे में था। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर के द्वारा लिखी गई जो रचना जो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन सेइंग प्लीज के बारे में थोड़ा सा पॉइंट कि उसमें आखिर बताया क्या गया है। जैसे इन ऑन सेइंग प्लीज रचना का नाम क्या है, ऑन सेइंग प्लीज, ओके इन ऑन सेइंग प्लीज, इस रचना में ही पॉइंट्स आउट द वैल्यू ऑफ गुड मैनर, यानी राइटर ने पॉइंट आउट किया किस चीज को, वैल्यू ऑफ गुड मैनर्स को, किस कौन से वाले, जो कि वैल्यू मतलब उपयोगिता, गुड मैनर्स मतलब अच्छे आचरण की जीवन में क्या महत्व है, उसके पॉइंट्स को उन्होंने इस कहानी में बतलाया, जो कि आगे क्या होता है, सोशल लाइफ एंड एम्फेसाइजेस, अर्थात सामाजिक जीवन के बारे में, एंड एम्फेसाइजेस, एम्फेसाइजेस मतलब होता है किसी भी चीज पर बल देना या महत्व बताना, यानी उन्होंने एम्फेसाइज किया, बल दिया किस पे, द इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्टेसी, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्टेसी क्या है, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्टेसी, यानी उदारवादिता की महत्वता पर, एंड और किस पे, पोलाइटनेस विनम्रता पर, क्यों कौन सी विनम्रता, डेली बिहेवियर, डेली बिहेवियर का मतलब होता है जो हमारा प्रतिदिन का व्यवहार है, उस प्रतिदिन के व्यवहार में हमें किस प्रकार से कोर्टेसी रिप्रेजेंट करना चाहिए, पोलाइटनेस रिप्रेजेंट करना चाहिए, इस कहानी में इजी गार्डनर ने हम सबको बताया। नेक्स्ट है अगली कड़ी में, ही शोज हाउ पोलाइट स्पीच, उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि हाउ पोलाइट स्पीच एंड मैनर स्वीटेंड, अर्थात कि विनम्रता पूर्ण शब्द और आचरण कितना मधुर होता है, किसके लिए, द एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर मतलब वातावरण, कौन सा वातावरण, वेर एवर द पीपल लिव्स, जहां पे हम आप रहते हैं, जो हमारा आपका समाज है, वहां का वातावरण कितना मधुर हो जाता है जब हम क्या करते हैं, अराउंड डिस्कोर्ट, सॉरी कोर्टेसी, यहां पे डिस्कोर्टेसी नहीं, एटमॉस्फियर अराउंड, कहने का मतलब जब हम पोलाइट और कोर्टेसी वर्ड का यूज करते हैं या विनम्रता के साथ व्यवहार में आते हैं तो वहां का वातावरण बहुत ही सुदृढ़ हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है, और उसी के अगेंस्ट में बताया जा रहा है, एंड और हाउ डिस्कोर्टेसी, अशिष्टता, डिस्कोर्टेसी मतलब अशिष्टता जो है, एंड इल मैनर्स और बुरे आचरण जो है, वो किस तरह से क्या करते हैं, समाज को स्पॉइल करते हैं, गंदा करते हैं, पोल्यूट प्रदूषित करते हैं, अगर हम डिस्कोर्टेसी रिप्रेजेंट करते हैं समाज में तो वह पूरा का पूरा समाज गंदा हो जाता है और बेकार हो जाता है। इसलिए इस कहानी में एजी गार्डनर ने हमको सिर्फ यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से प्लीज वर्ड का यूज हमें आपको करना है, यानी समाज में किस तरह से
कोर्टेसी को हमें रिप्रेजेंट करना है और डिसकोर्टेसी को हटाना है। मैं आपको एग्जांपल में एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं, पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, केवल आपको हिंट दे रहा हूं, आप उस कहानी को जानते हो। गुरु नानक और मर्दाना की कहानी जानते होंगे। जब गुरु नानक और मर्दाना टहलने ही निकले हुए थे, एक गांव में गए, वहां पे उनका अपमान हुआ तो गुरुदेव ने उनके भलाई के लिए प्रार्थना किया। दूसरे गांव में गए तो वहां पे उनका सम्मान हुआ भरपूर, लेकिन उन्होंने वहां पे भी भलाई अपने तरीके से बात किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लोग बिखर जाएं, जो कि मर्दाना को समझ में नहीं आया और उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया। तो ठीक यही कहानी वहां पे भी फिट बैठती है कि कोर्टेसी क्या है और डिसकोर्टेसी क्या है, उस कहानी में भी ये चीज बताया गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक अर्थात ऑन सेइंग प्लीज के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।